नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती और एलटी ग्रेड की बात करेंगे। तो सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम हो ही चुका होगा कि आज ऑर्डर 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई हो रही थी उसमें ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है और बाकी कुछ प्रक्रिया होने के बाद इसका डिसीजन सुना दिया जाएगा। तो अब छात्रों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी घूम रहे हैं क्योंकि कई तरह की याचिकाएं इस ऑर्डर से जुड़ी हुई हैं। सबका फैसला एक बार में ही हो जाएगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीत किसकी होगी, 40-45 या 60-65 की। दूसरा है बीएड रहेगा या भर्ती से बाहर होगा। तीसरी चीज, शिक्षा मित्रों का क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क शिक्षा मित्र इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में बहुत परिश्रम किए हैं, केस लड़े हैं वो, तो उनका क्या होगा आखिर। तो दोस्तों सभी प्रश्नों का आपको जवाब आप इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि सबसे पहला प्रश्न है कि जीत किसकी होगी, 60-65 या 40-45, तो आपको मालूम ही होगा मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हमेशा 60-65 का सपोर्टर रहा हूं और मैं हमेशा 60-65 का ही सपोर्ट किया हूं कि 60-65 कट ऑफ पर ही भर्ती हो। तो मैं यही कहूंगा कि 60-65 की जीत लगभग तय है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ये मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी एनालिसिस है, जैसा कि मैं अक्सर चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि 60-65 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और जो 60-65 पे रिजल्ट जारी किया गया है उस पर ही भर्ती होगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बीएड की बात करते हैं तो बीएड भर्ती में रहेगा या बाहर होगा, तो 100% भर्ती में रहेगा, बाहर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर आपको क्या लगता है आप भी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तीसरी बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों की। तो देखिए शिक्षा मित्रों के लिए अब तो कोई रास्ता बचेगा ही नहीं, अगर 60-65 बाहर हो जाता है, 60-65 मतलब भर्ती होती है, तो शिक्षा मित्र आखिर क्या करेंगे फिर। तो शिक्षा मित्रों को भी जहाँ तक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन नहीं देगा जहाँ शिक्षा मित्रों का अहित हो। अब फिर आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जब 60-65 पे भर्ती पूरी करेगा तो शिक्षा मित्रों का तो अहित होगा, तो हो सकता है शिक्षा मित्रों के लिए एक अवसर और सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। जैसे दो अवसर दिए थे 1,37,000 की भर्ती के लिए, वैसे ही एक अवसर और दे सकता है और वो अवसर हो सकता है कि 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं और कुछ सीटें इसमें भी जो बच रही हैं 69,000 में, तो इन दोनों को जोड़कर एक बार और विज्ञापन निकालने को और शिक्षा मित्रों को उसमें अपीयर होने के बारे में कहा जा सकता है। या फिर जो फ्रेश नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें भी शिक्षा मित्रों को अलाउ किया जा सकता है, जिसको लोग बोल रहे हैं कि 51,000 की वैकेंसी आने वाली है, 50,000 के लोग बोलते हैं, 35,000 कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग 30,000 बोलते हैं कि ये नई वैकेंसी आने वाली है। जो भी है, वैकेंसी तो नहीं आने वाली है, ये वैकेंसी जैसे ही कंप्लीट होगी नई वैकेंसी आएगी, कितने पदों की आएगी उसके बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है, तो बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। और अगर ये करता है सुप्रीम कोर्ट, इस तरह का डिसीजन देता है, यानी कि 3 डिसीजन देता है इस तरह के, तो इसमें सबका भला होगा। और अगर कुछ अहित होना होगा तो देखिए ये दो चीज़ें तो क्लियर हैं, एक ये क्लियर है और एक लगभग ये भी क्लियर है। तो अब शिक्षा मित्रों वाली बात जो है यहाँ पे, फिर ये होता है कि शिक्षा मित्रों को तीसरा मौका क्यों दिया जाए। फिर कुछ लोग कोर्ट पहुंच जाएंगे कि नहीं, पहले जब दो मौके दिए गए थे तब तीसरा मौका क्यों दिया गया, ये तो बीएड के साथ और बीटीसी के साथ नाइंसाफ़ी है। तो उन सब चीज़ों को बचने के लिए कुछ क्लॉज भी लगा सकते हैं, क्योंकि पिछली भर्ती में जो 40-45, 60-65 पे गवर्नमेंट ने की है, लेकिन वो तो अब कर चुका है, नोटिफिकेशन निकल चुका है, लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, काउंसलिंग कुछ लोग करवा चुके हैं,
कुछ लोगों की काउंसलिंग बाकी है, तो इतना आगे बढ़ने के बाद प्रक्रिया को पीछे लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल होता है। 67,000 बच्चों का सवाल है जिन्होंने ये सोच लिया है कि मैं प्राइमरी में मास्टर बन चुका हूँ, जिन्होंने ये सपने देख लिए हैं कि मैं प्राइमरी में अध्यापक बन चुका हूँ। तो इस तरह के डिसीजन जो हैं नहीं आएंगे कि सबके सपने तोड़े जाएं, और गलती किसी और की भुगते कोई और, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की अगर गलती है तो गवर्नमेंट को ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए एक मौका हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों को दे के शिक्षा मित्रों को सेटिस्फाई कर दे। तो ये सारी संभावनाएं हैं, आपको कैसी संभावना लगती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपके जो विचार हैं वो भी पता चलेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड में जब कल मैंने आपको बताया था कि दो चयनित छात्रों की आकस्मिक निधन हो गया था, तो उसके बाद जो बाकी चयनित छात्र हैं उन लोगों ने गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हमारी ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तो एक पत्र लिखा गया है, आइए उसको पत्र को आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये पत्र लिखा गया है अपर शिक्षा निदेशक राजकीय प्रयागराज उत्तर प्रदेश को। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा एलटी ग्रेड राजकीय इंटर कॉलेज शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2018 में 13 विषयों जिन्हें लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने नियुक्ति की संस्तुति करते हुए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज भेज दिया है, लेकिन नियुक्ति न होने की दशा में दो चयनितों ने अवसाद और आर्थिक तंगी के कारण समुचित इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। उपयुक्त का संज्ञान में लेते हुए शैक्षिक संस्थानों से सत्यापन के दौरान नियुक्ति के संबंध में, तो इसमें अवगत कराया गया उन दो छात्रों का जिक्र किया गया है जिसमें एक है कंचन गौतम जौनपुर की तथा चमन लाल खुशवाहा जो कि जीव विज्ञान से चयनित थे, 139वीं इनकी रैंक थी, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और समुचित इलाज के अभाव में इन्होंने दम तोड़ा है क्योंकि इनको जो है मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पाई, इसलिए इनके साथ ये घटना घटी। और दोस्तों मैं और भी बहुत सारे ऐसे छात्रों से मेरा आए दिन पाला पड़ता है जो बहुत ही बुरी तरह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अब सरकार को ये समझ में नहीं आता है कि जिसकी नौकरी लग चुकी, जिन्होंने इतना बड़ा कंपटीशन पास किया, उसको नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। एक डेढ़ साल से रिजल्ट निकले हुए उनको हो गया, लेकिन आज भी वो एक एक रुपए के लिए मुस्ताद हैं जबकि उनकी 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी लगी हुई है। ज्वाइनिंग ना देना किसकी जिम्मे, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या उन छात्रों का दोष है? वो भी इस लॉकडाउन जो कोरोना का युग चल रहा है इसमें उनकी हालत और भी बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि वो जो थोड़ा बहुत इनकम करते भी थे वो सब भी बंद हो चुका है। बहुत से छात्र तो यहाँ तक बोलते हैं कि सर अब हालत अगर ऐसे रहे तो मुझे भी कुछ इस तरह कदम उठाना पड़ेगा। तो उनको समझाता हूँ मैं, नहीं ऐसी गलती कभी मत करें क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और गलती आपने की ही नहीं, जो गलती आपने की नहीं उसकी सजा आप क्यों भुगते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं, दो साल से बुरी तरह से मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित एवं परेशान चयनित शिक्षकों की शीघ्र मौलिक नियुक्ति अन्य भर्तियों में प्रचलित परंपरा अनुसार सत्यापन प्रक्रिया के दौरान होनी चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाने के लिए मौलिक नियुक्ति के बाद समस्त प्रमाण पत्रों अंक पत्रों के सत्यापन के बाद ही वेतन निर्गत हो, इसके लिए हम सभी अभ्यर्थी अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। देखिए अब ये सहमति भी दे दी कि भाई आपको 3 महीने 4 महीने 5 महीने जितना भी टाइम लगता है सत्यापन में वो टाइम ले लीजिए, उस टाइम तक वेतन मत दीजिए लेकिन नियुक्ति तो दीजिए। नियुक्ति से लोगों के अंदर एक विश्वास आ जाएगा कि हाँ आज मैं बेरोजगार नहीं हूँ। जब टीजीटी पीजीटी की ज्वाइनिंग हो रही है और टीजीटी पीजीटी में वो एलटी ग्रेड का चयनित छात्र ज्वाइन कर रहा है जो वहाँ ज्वाइन करता तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट करता वेटिंग वाले के लिए, तो जब टीजीटी पीजीटी में बिना सत्यापन के ज्वाइनिंग हो रही है तो एलटी ग्रेड में क्यों नहीं हो रही है?
आखिर क्यों गवर्नमेंट ये इस वैकेंसी को रोक के रखे हुए है, क्या चाहती है? फाइल आपके पास आ चुकी है ज्वाइनिंग देने के लिए, क्या अभी भी कोई डाउट है आपके मन में, कोई संदेह है? टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों सेम स्तर के हैं, लेकिन फिर भी जो छात्र दोनों जगह चयनित हैं वो एलटी ग्रेड ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि उसके फ़ायदे कुछ अलग हैं। तो टीजीटी के किस सीट को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पहले मिलेगा उसको तो ज्वाइन उनको करना पड़ेगा। अभी 69,000 का भी क्लियर होने वाला है मामला सब, आप हफ्ते 10 दिन में तो वहाँ पर तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। अब टीजीटी में जिनका रुका होगा एलटी ग्रेड में भी चयनित हैं, टीजीटी में भी चयनित हैं, 69,000 में भी चयनित हैं, ऐसे बहुत से छात्र हैं। तो 69,000 अगर पहले होने लगेगा, एलटी ग्रेड में भी कुछ इंटरव्यू बाकी हैं, कुछ के पैनल बाकी हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, लोग 69,000 में ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों खैर ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र कमेंट जरूर करें।